हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुगेश दास और आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो मूवी है जयेश भाई जोरदार। जी हाँ, जयेश भाई जोरदार मूवी रिलीज हो चुकी है। मूवी बहुत ही बढ़िया है, पर स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो इसमें मैसेज दिया है लड़कियों के लिए, यानी कि जो लोग लिंग टेस्ट करवाते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, उनको मैसेज दिया है कि लड़का हो या लड़की, सभी एक बराबर हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये मूवी गुजरात की एक फैमिली के ऊपर बनी हुई मूवी है, जो कि पहले उनके घर में एक बेटी होती है, जो कि जिसका पिता रणवीर सिंह होता है और जो उसका दादा होता है ईरानी। रणवीर सिंह के पिता का रोल किया है जो कि बमन ईरानी है। वो एक सरपंच होते हैं और बहुत ही घटिया किस्म का इंसान दिखाया है बमन ईरानी, क्योंकि बमन ईरानी और उसकी वाइफ को यानी रणवीर सिंह की माँ को बेटी नहीं बेटा चाहिए होता है, क्योंकि उनको अपना आगे का वंश बढ़ाना होता है। तो रणवीर सिंह की घरवाली होती है जो शालिनी पांडे ने रोल किया है, उसको दूसरा बेबी होने जा रहा होता है, लेकिन वो उससे पहले ही वो लिंग पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और जो उसके पेट में लड़की होती है उसको मरवाने की कोशिश करते हैं। और रणवीर सिंह इसी चलते वो कदम उठाता है कि हम घर से भाग जाएंगे। मूवी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। जो इस मूवी में मैसेज दिया है मुझे बहुत बढ़िया लगा। बेटियों के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है। IMDB ने रेटिंग दी है इसको 8.1 की और मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.10, क्योंकि जो इसमें मैसेज दिया है लड़कियों के लिए वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। हाँ, स्टोरी लाइन थोड़ी सी ठीक ठाक है, इसमें थोड़ी सी बोर भी करती है मूवी, पर लेकिन जो इसमें मैसेज दिया है लड़कियों के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है इसमें। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले वीडियो मेरे मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।